नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हड्डी बन जाएगा राठ के जैसा मजबूत। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना। वैसे तो इसके नाम सब जरूर जानते होंगे और एक बात बताना चाहूंगा, ये जितना खाने में इसके जो फल स्वादिष्ट होते हैं, काफी हम लोग इसे खाते हैं, खाने में स्वादिष्ट बढ़ाने के साथ साथ ही हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, हमारी हड्डी हमें फिट रखने में और स्वस्थ जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हड्डी के सपोर्ट के बिना हमें रोजमर्रा के काम में बहुत ही परेशानी होती है। यह वीडियो 3 से 4 मिनट की बनने वाली है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे। इसे मोरिंगा के नाम से जाना जाता है, कई जगह इसे मूंगा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हड्डियां शरीर की संरचना के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। ये हमारे ढांचे को बना करके रखती हैं, पूरे शरीर को सपोर्ट देता है। यही कारण है कि हमें अपनी हड्डी को हेल्दी रखना जरूरी है। एक बात बताना चाहूंगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डी का घनत्व कम होने लगता है, इसके कारण चलने फिरने और कामकाज करने में काफी दिक्कत होती है। तो आपको अपनी हड्डी को मजबूत करना है तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। मैं आप लोगों को कई वीडियो में इसका बहुत सारा फायदा भी बता चुका हूं। एक बात बताना चाहूंगा, जो मोरिंगा देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, मुनगा देख रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं हमें जरूर बताना। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे जैसे हमारी उम्र ढलने लगते हैं वैसे वैसे हमारे हाथ पैरों में, जोड़ों में, बदनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि अधिकतर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़ों में जो हड्डियां होती हैं वहां पे ग्रीस घिसने लगते हैं और कट कट की आवाज आने लगती है। बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ ही जोड़ों में दर्द, बदनों में दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं। उन लोगों को बताना चाहूंगा, इसके 100 ग्राम पत्ती में 10 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम पाया जाता है। और आप सभी को बताया जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैल्शियम की आप जो है इंजेक्शन लगवाइए, दर्द होते तो यही बोला जाता है, या कैल्शियम का ये लगाएं या कैल्शियम का टेबलेट है, बहुत सारे जानकारी दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कदापि आप ऐसा ना करें। इसके 100 ग्राम पत्ती को 1 से 1.5 गिलास पानी में उबाल लें। उबाल करके जब आधे गिलास पानी बच जाए तब छान करके पिए, तो बिल्कुल ये 100 ग्राम इसकी जो पत्ती है ना, इसमें 10 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे हड्डी को लोहे के जैसा मजबूत बना देता है। आपके हड्डियों में दर्द हो रही, कटकट की आवाज़ आ रही है, तो हड्डियों में होने वाले दर्द, कटकट की आवाज़ होना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। दूसरा, अगर इसके मैं फायदे की बात करूं तो अधिकांश लोग सिर के दर्द से परेशान रहते हैं, तो इसके जड़ के रस में बराबर मात्रा में गुड़ मिला ले, उसे छान करके एक एक बूंद अगर नाक में डाला जाए, या आयुर्वेदिक दवा रामबाण की तरह काम करते हैं, तो इस सिर के दर्द को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देते हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारा पहले भी जानकारी बता चुका हूँ। ये गले के, जैसे कि गले में कोई स्वर भंग आ गए हैं, गले अच्छे खुल करके नहीं आ रहे, गले में दर्द हो रहा है बोलने समय, तो सहजन की मतलब इसके जड़ का काढ़ा बना करके कुल्ला करने से आवाज को खोलने का काम करते हैं, दर्द हो रहे से दूर कर देते हैं। दांत में अगर दर्द हो रहे हैं तो इसके गोंद को पानी में घोल करके गरार करने से दांतों में होने वाले दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि किडनी में कोई भी परेशानी है, जैसे कि स्टोन आ गए हैं, पत्थर आ गए हैं, उसे काटने का काम करते हैं, यानी कि बाहर गलाने का काम करते हैं। तो इसके 5 ग्राम गोंद को रोज 7 दिन तक खाने से दही के साथ में मिला करके पेशाब के साथ में जो स्टोन रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, इसके जो जड़ की छाल होता है उसे 20 मिली ग्राम के आसपास में काढ़ा बना करके दिन में 3 बार पिलाने से गुर्दे के पथरी चूर चूर होकर के निकल जाते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे चैनल में आज की जो छोटे से जानकारी बताई इसके बारे में आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, और भी अगर आपको इसके औषधि लाभ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हमारे चैनल पर साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।